होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन मानव की एक विलुप्त प्रजाति है जो 2.3 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहती थी। होमो यानी कि हमारी प्रजाति की शुरुआत के आसपास की चर्चा में एक दिलचस्प भूमिका निभाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले प्रकट हुए थे। होमो हैबिलिस को अक्सर हमारे जीनस के शुरुआती सदस्यों में से एक के रूप में देखा जाता था और लंबे समय तक आमतौर पर होमो इरेक्टस के पूर्वजों के रूप में चित्रित किया जाता था। इस प्रकार यह हमारी प्रजाति के भी प्रत्यक्ष पूर्वज थे। होमो के शुरुआती दिनों की एक अधिक जटिल तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में होमो हैबिलिस की जगह को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। जब होमो हैबिलिस और प्रारंभिक समय के आसपास की कई अन्य प्रजातियों की बात की जाती है तो खंडित जीवाश्म रिकॉर्ड मदद नहीं करता। हालांकि हमारे पास खोपड़ियों के टुकड़ों का एक संग्रह है, केवल 3 तथाकथित कंकालों का पता लगाया गया है और वे अधूरे हैं। अवशेष अनेक विशेषताओं का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं जो कुछ भागों में होमो से मिलते जुलते हैं और अन्य में ऑस्ट्रोपिथेकस में पाए गए लक्षणों से मिलते जुलते हैं। हम जो जानते हैं वह यह है कि होमो हैबिलिस पूरी तरह से 2 पैरों पर चलने वाला मानव होने के साथ साथ एक अच्छा और शायद बार बार चढ़ने वाला व्यक्ति था, जिसके मजबूत हाथ ओल्डोवन उद्योग से संबंधित पत्थर के औजार बनाते थे। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जीनस होमो पहली बार लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले उभरा होगा। होमो हैबिलिस एक बहुत अच्छा पर्वतारोही रहा होगा। हालांकि उसके कंकालों से पता चलता है कि वह सीधा चलने में भी पूरी तरह सक्षम रहा होगा। हालांकि होमो हैबिलिस का मस्तिष्क होमो इरेक्टस की तुलना में छोटा था। यह बताना मुश्किल है कि होमो हैबिलिस किस प्रजाति से विकसित हुआ होगा और यह किस प्रजाति में विकसित हुआ होगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि होमो हैबिलिस हमें उस चीज का एक दिलचस्प मिश्रण प्रदान करता है जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, कि यह अंतहीन चर्चाओं को बढ़ावा देता है। होमो हैबिलिस दोनों सीधे चलते थे और कुशलता से चढ़ते थे, पत्थर के औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे और पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग वातावरण में जीवित रहे, जहां इसने न केवल काफी लचीली भोजन रणनीतियों को नियोजित किया बल्कि खतरे के रूप में भी सतर्क रहना पड़ा।